कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल के आई है। राजश्री टंडन महिला विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो कि पीजी महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से समृद्ध है ये कॉलेज, तो यहाँ से जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट निकल कर के आई है। और ये नोटिस जो जारी हुआ था, ये हुआ था 6 सितंबर 2022 को। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता आया हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्रत्येक स्टडी और यूनिवर्सिटी की डिटेल जो मुझे अपडेट मिलती है, मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता आया हूँ कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से अब जो प्राइवेट स्कूलों की या गवर्नमेंट की या प्रत्येक स्टेट की जो TGT PGT या PRT या नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट आती है, उसकी अपडेट भी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से देना स्टार्ट कर दी है। और जो TGT PGT PRT का नोटिफिकेशन है वो आपको सुबह में 9 बजे तक मिल जाया करेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो TGT PGT स्कूल में वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जैसी कोई अपडेट दूँ मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रिया जो मैं लोगों का साथ दे रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपडेट देता रहूँ और आप मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। तो कवर करेंगे पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। राजश्री टंडन महिला विश्वविद्यालय प्रयागराज में हिंदी की रिक्वायरमेंट है, राजनीति शास्त्र की रिक्वायरमेंट है, शिक्षा शास्त्र की रिक्वायरमेंट है, प्राचीन इतिहास की रिक्वायरमेंट है, संगीत वादन तबला की रिक्वायरमेंट है और अर्थशास्त्र की रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 12 पद हैं, हो सकता है किसी के 3-3, 4-4 पद भी हों, और पदों में एक पद पुस्तकालय का भी है। हेतु UGC रेगुलेशन जो 2018 था उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो विस्तृत विवरण होगा वो www.trmmaall.ac.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 6 अक्टूबर 2022 से। विज्ञापित पदों में वृद्धि की कमी या पूर्ण या आंशिक वापसी का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है। कम भी कर सकता है वो और ज़्यादा भी कर सकता है। ये नियुक्तियाँ शिक्षा मंत्रालय UGC के निर्देशों के अधीन होंगी। ये जो हमने अभी पढ़ा था ये इसकी जो है इंग्लिश वर्जन है और ये इसका हिंदी वर्जन था। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ने लिंक दे रखा है, तो इस लिंक पर जाकर के आप जो है इसका सारा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा से कमेंट करना भूलें, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि जो वहाँ की अपडेट है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ।